नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं कुमार अश्विन, आज मैं आया हूं कटिहार के न्यू मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि छठ पूजा आज से चालू हो चुका है, तो आज हम लोग बात करेंगे जो आज कद्दू भात है उसको लेकर, लोग किस तरह से छठ पूजा को लेकर किस तरह से मार्केट में आए हुए हैं और लोगों में एक तरह से पूरी तरह से भीड़ पड़ी हुई है और लोग पूरे जोश और जुनून के साथ अपने घरों से निकले हैं मार्केट करने के लिए। आइए दौर में लेकर चलते हैं आपको कुछ लोगों के पास और जानेंगे कि वो क्या करने आए। जबकि इस बार कोरोना था, कोरोना काल में लॉकडाउन पड़ा था, लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिख रहा है। लोगों में ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार का जो छठ पूजा है वो बहुत ही लोगों में बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा। आइए देखिए। महंगाई पूरा है, बड़ा हुआ। खरीदारी कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा है? मार्केट में एकदम जान नहीं है, पूरा एकदम खत्म है बाजार। लोग कोरोना के कारण पूरी तरह से घर से अभी नहीं निकल रहे हैं। अभी यही बाजार तो रहता था, भीड़ पूरा रहता, अभी कोई भीड़ नहीं है बाजार। कैसे चल रहा है, क्या भाव है सबका? 20 रुपए पका हो गया आपका। इस बार कैसे चल रहा है, क्या भाव है? मतलब पूरी तरह से दाम बढ़ चुका है। लोग क्या इस बार आ रहे हैं खरीदने के लिए? पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा कम है। पिछले साल तो हमने बेचे थे, मेरा छोटा बड़ा भाई था। तो कैसा लग रहा है इस बार का, कैसा है मार्केट? तो कैसे बेच रहे हैं गन्ना? 80 का जोड़ा लाल वाला बेचते, सादा वाला 70 का जोड़ा। इस बार पूरी तरह से महंगाई बढ़ चुकी है गन्ना की। क्या लग रहा है इस बार, मतलब कि पहले जैसा है कि इस बार का स्थिति पूरी तरह से चेंज हो गया? चेंज हो गया। इस बार क्या स्थिति, कैसा स्थिति है पहले से? बहुत बुरा स्थिति है कोरोना के कारण। मार्केट में अब दम नहीं रहा? ओह, लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं देखा जा रहा है। पिछले बार जो जैसा बाजार था इस बार बहुत कम आदमी आए। क्या लग रहा है इस बार डाला का क्या कीमत है और सूप का क्या कीमत लग रहा है? सूप का तो 80 रुपये जोड़ा बता रहा सर। हाँ, कैसा, क्या महंगाई आ रही, पूरा महंगाई आ चुकी है? महंगा तो ही रहा।
हाँ डाला भी है 100 रुपया, 150 रुपया बता रहा है, 100 रुपया 80 रुपया मिलता था डाला भी, जैसे जो 100 रुपया मिलता था वो 150 में मिल रहा है, मतलब कि पूरी तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, चरम सीमा पर है। जी हाँ, उससे इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है लोगों को। जी हाँ, क्या नाम हो गया आपका? राजेश पासी। दाम बढ़ा नहीं है सर, 10 दिन पहले 130 रुपया 110 रुपया जोड़ा शुद्ध था, आज के डेट में आज जो हम खड़ा है आज 80 रुपया जोड़ा शुद्ध बेच रहे हैं, 70 रुपया जोड़ा शुद्ध बेच रहे हैं, डाला जो हम खरीदे हैं 140 में 150 में बेच रहे हैं। मतलब 10 रुपया आपका फायदा हो रहा है? 10 रुपया 5 रुपया ऐसा भी है कि हम लोग का पूरा माल भी नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होगा कि इस बार पूजा जो है कि 50% भी नहीं होगा, 40% पूजा होगा, इसलिए हम लोग का सारा सूद गलिया जो है कि यहाँ बिगड़ा हुआ है। मतलब मार्केट पूरा डाउन है? पूरा डाउन है, पूरा एग्जाम जो है कि 2 लाख रुपए माल मेरा पड़ा हुआ है। क्या है, कैसा लग रहा है? गड़बड़ बुझा रहा है, मार्केट से लेकर भी गड़बड़ चल रहा है, हम डाला हम लोग 125 से जो सुख हम लोग 60 में करने हैं इस बार पूरा स्थिति डाउन है, बहुत स्थिति खराब है। क्या नाम हो गया आपका? मनोज चौहान। तो आपने देखा कि छठ पूजा को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, उत्साह है, और लोग घरों से निकल रहे हैं, अपना सामग्री खरीद रहे हैं, फल सब्जी खरीद रहे हैं, सूप खरीद रहे हैं, डाला खरीद रहे हैं, नारियल खरीद रहे हैं। लेकिन लोगों में इस बार पूजा लोगों में कमी आई है, लोग पूजा इस बार कम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है। कैसे चल रहा है कद्दू का रेट? क्या है कद्दू का रेट? तो अभी 30 रुपया है और बहुत कम आया है, बहुत कम आया है, दाम पूरा बढ़ गया है, पूरा सस्ता हो गया कद्दू। कल क्या रेट था इसका? कल हुआ तो वही था 25-30 रुपया। कद्दू का रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है? कोनो चीज़ में बढ़ोतरी नहीं है। मार्केट कैसा है इस बार, लोग आ रहे हैं खरीदने कद्दू? मार्केट में कोई जाने नहीं है, पूरा स्थिति खराब है। मार्केट में क्या जान रहेगा सर, यहाँ तो लॉकडाउन में सबको मतलब पसीना खराब है। मैं आपको पहले में दिखाया फल का क्या रेट है और दूसरे में दिखाया सब्जियों का क्या रेट है। सब्जी में कद्दू आज का अहम था, जो कि कद्दू आज कहीं सस्ता है तो कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं महंगा है, क्योंकि इस बार सब्जियों का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन लोग कम आ रहे हैं, सब्जी जो सब्जी दुकानदार हैं, सब्जियों के दुकानदार हैं, उन पे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोग घर से कम आ रहे हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर समय उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MBN News 24।